दोस्तों आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत के बाद आ गया है आईपीएल की पॉइंट टेबल में बड़ा भूचाल। राजस्थान रॉयल्स को मिली है तगड़ी खुशखबरी तो वहीं पर मुंबई इंडियंस का हो गया है बुरा हाल। तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर को भी लगे हैं तगड़े झटके। जी हाँ दोस्तों मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक और महामुकाबला खेला गया जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को उसके ही घर में रौंद कर रख दिया, जिसके बाद मौजूदा पॉइंट टेबल बिखर गई है और पूरी उलटफेर होते हुए मौजूदा पॉइंट टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंच चुकी है, प्लेऑफ की राह कैसी दिखाई दे रही है, किस तरीके से मुंबई को तगड़ा झटका लगा है, चेन्नई की राह मुश्किल हो गई है, सब कुछ आपको पूरी पॉइंट टेबल का विश्लेषण इस ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस अब वापसी करके पॉइंट टेबल की प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार आईपीएल अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 जैसे ही आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत ज्यादा रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक और रोमांचक महामुकाबला 1 अप्रैल 2024 को खेला गया। आईपीएल के 2024 के संस्करण के 14वें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने राजस्थान रॉयल्स टीम थी। यह मुंबई इंडियंस के वानखेड़े में खेले जाने वाले महामुकाबला था जहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता। टॉस जीतकर शानदार पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने आई मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ज्यादा शर्मनाक रही जहां ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनर उतरे थे, मगर पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को ट्रेंट बोल्ट ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और बिना कोई खाता खेले रोहित शर्मा पवेलियन चले गए। वही नहीं दोस्तों इसके बाद नमन धीर बल्लेबाजी करने आए तो अगली गेंद पर बैक टू बैक ट्रेंट बोल्ट ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके दूसरा विकेट ले लिया और एक ओवर में 2 विकेट मुंबई इंडियंस के 1 रन के स्कोर पर जा चुके थे। इसके बाद फिर ड्रेवाल्ड ब्रावस बल्लेबाजी करने आए तो फिर तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आते हैं, नंद्रे बार्गर के हाथों दूसरी गेंद पर ड्रेवाल्ड ब्रावस को कैच आउट करा देते हैं और बिना कोई खाता खोले ड्रेवाल्ड ब्रावस पवेलियन चले गए। इसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए तो उनका साथ देने के लिए ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की। 14 गेंदों में 16 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का लगाया, मगर पारी के 4वें ओवर में नंद्रे बार्गर ने उनको संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। 20 रन के स्कोर तक 4 विकेट मुंबई इंडियंस के खो चुके थे। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए और फिर तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक तूफानी पारी खेलने की कोशिश की जहां पर हार्दिक पांड्या ने आज इस महामुकाबले में 21 गेंदों में 34 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 161.90 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मगर 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल आकर उनको कैच आउट करा देते हैं और पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 76 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तिलक वर्मा एक तरफ डटे हुए थे, उनका साथ देने के लिए पीयूष चावला आते हैं। पीयूष चावला भी 3 रन बनाकर फिर आवेश खान की गेंद पर सिमरन हेटमायर को कैच थमाकर पवेलियन चले जाते हैं। फिर टिम डेविड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर 14वें ओवर तक तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 32 रन बनाए, 2 छक्के लगाए थे, मगर फिर युजवेंद्र चहल ने आकर अश्विन के हाथों उनको कैच आउट करा दिया और 95 पर 7 विकेट मुंबई इंडियंस खो चुकी थी। इसके बाद टिम डेविड ने 24 गेंदों में 17 रन बनाए, गैरल कोविड जी के 4, जसबिंदर 8 और आकाश माधवाल के 4 रन की बदौलत जैसे तैसे करके पूरी टीम 125 रन 9 विकेट खोकर बना पाई। 126 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही जहां जयसवाल और जोश बटलर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जहां पर जयसवाल को तो देवना मफाका नाम के गेंदबाज ने 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट कर दिया। टिम डेविड ने उनका कैच लिया और पहले ओवर में 10 रन पर पहला विकेट जा चुका था। इसके बाद फिर जोश बटलर और संजू सैमसन के बीच में साझेदारी होती तो फिर संजू सैमसन कप्तानी पारी खेलने के लिए उतरे और 5वें ओवर में आकाश माधवाल उनको बोल्ड आउट कर देते हैं और 42 पर दूसरा झटका राजस्थान रॉयल्स के लगता है और 12 रन बनाकर संजू सैमसन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद फिर जोश बटलर को आकाश माधवाल ने पीयूष चावला के हाथों कैच आउट कराकर 7वें ओवर में पवेलियन वापस भेज दिया, 13 रन बनाकर वह भी पवेलियन चले गए। इसके बाद रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन के बीच में साझेदारी होती है और पारी के 13वें ओवर में जब राजस्थान टीम 88 रन बनाकर खेल रही थी, आकाश माधवाल तिलक वर्मा के हाथों अश्विन को आउट करा देते हैं 16 के स्कोर और वह पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद शुभम दुबे नाम का खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, फिर रियान पराग ने तूफान मचा दिया, आज इस महामुकाबले में 39 गेंदों में 5 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर नाबाद 54 रन की पारी खेली और इस महामुकाबले को 15.3 ओवर में जीतकर इतिहास रच दिया और 127 रन 4 विकेट खोकर बना लिए। शानदार 6 विकेट से इस महामुकाबले को जीतकर पॉइंट टेबल में 2 अहम अंक प्राप्त किए और अपने शानदार नेट रन रेट में सुधार किया है। इसके साथ ही मौजूदा पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो अब तक सबसे बुरी कंडीशन में मुंबई इंडियंस टीम चल रही है। 10वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने कुल 3 महामुकाबले खेले हैं, 3ों में उसको हार मिली है बिना कोई अंक और साथ में -1.42 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। आने वाले मुकाबले में उसको सभी महामुकाबले जीतने पड़ेंगे तब उसकी प्लेऑफ की राह कुछ दिखाई दे रही है। 9वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चल रही है, विराट कोहली और भाव डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सारा अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 महामुकाबले खेले हैं, मैच 1 में जीत हासिल की है, 2 महामुकाबले में उसको भी हार मिली है, 2 अंक है, -0.71 की उसकी नेट रन रेट है, ऐसे में उसको भी अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। 8वें स्थान पर पंजाब किंग्स टीम चल रही है, शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन किया है,
तीन वहाँ मुकाबले खेले हैं, एक में जीत हासिल की है, दो में हार मिली है। और अभी तो मुकाबलों की शुरुआत है, तो ऐसे में अभी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, मगर जितने मुकाबले खेले हैं उसमें सामने वाली टीम को अच्छी खासी टक्कर देती हुई नजर आई है। दो अंक -0.33 की उसकी नेट रेट है, आठवें पायदान पर है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले महा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और वह सातवें पायदान पर चढ़ रही है। तीन महा मुकाबले खेले हैं, दो में हार एक में जीत मिली है और दो उसके महत्वपूर्ण अंक है। -0.01 की उसकी नेट रेट है और उम्मीद लगाई जा रही दिल्ली कैपिटल्स अच्छी वापसी करेगी और प्ले ऑफ में जगह शायद बना सकती है। छठवें स्थान पर केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने साल 2024 की आईपीएल में अब तक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। मैच दो महामुकाबले खेले हैं, एक में तो उसको हार का सामना करना पड़ा था, मगर एक महामुकाबले में बेहतरीन जीत हासिल करके उसने अपने नेट रेट में सुधार किया, दो अंक प्राप्त किए। 0.02 की उसकी पॉजिटिव में नेट रेट है, उम्मीद लगाई जा रही है अच्छा प्रदर्शन करके वह भी प्लेऑफ की राह के लिए क्वालिफाई करे। वहीं पर पांचवें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद चल रही है। सनराइजर हैदराबाद बेहद ही शानदार टीम है, इस साल पैट कमिंस की कप्तानी में कमाल का प्रदर्शन करने की कोशिश की, एक महामुकाबले में उसको जीत मिली और तीन में से दो महामुकाबले हारे, मगर जिस महामुकाबले में उसको जीत मिली उसमें 128 रन के महांतर से मुंबई को हराया था, तो इसके कारण उसके नेट रन रेट 0.20 की पॉजिटिव में है, दो अंक उसके बने हुए हैं। उसको अभी कुछ महामुकाबले जीतने हैं, टॉप फोर में जगह बना सकती है। गुजरात टाइटंस टीम बेहतरीन टीम है, शुभमन गिल की कप्तानी में इस साल खेल रही है और आशीष नेहरा की कोचिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे पायदान पर बनी हुई है। तीन महामुकाबले खेले हैं, मैच एक महामुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ा मगर दो में शानदार जीत हासिल की है। चार उसके महत्वपूर्ण अंक है, मगर नेट रन रेट में उसको सुधार करना होगा, -0.73 की उसकी नेट रन रेट चल रही है, इसलिए वह अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद से आगे मुकाबले खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि अब तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप पर बनी हुई थी, मगर इस महामुकाबले के बाद तीसरे पायदान पर खिसक चुकी है। जिसने तीन महामुकाबले खेले हैं, दो में जीत मिली है जबकि एक महामुकाबले में उसको शर्मनाक दिल्ली के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। दो मुकाबलों में जीत कारण चेन्नई सुपर किंग्स को चार अंक है और 0.97 की उसकी नेट रन रेट है, उम्मीद की जा रही है आने वाले मुकाबले में जीत हासिल करे और फिर राजस्थान से आगे निकले। वहीं पर दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर खिसक चुकी है, जिसने की अब तक दो महामुकाबले खेले और दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करके जीत हासिल की है। उसके दो महामुकाबलों में जीत के कारण चार महत्वपूर्ण अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं, 1.04 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है। इस साल बेहतरीन प्रदर्शन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता ने करके दिखाया है, मगर देखा जाएगा कि आने वाले मुकाबलों में वह कंसिस्टेंट प्रदर्शन कर पाती है या फिर नहीं। वहीं पर नंबर वन राजस्थान रॉयल्स टीम चल रही है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम ने रियान पराग की बल्लेबाजी के दम पर, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों के दम पर अब तक तीन महामुकाबलों में तीनों जीत हासिल कर ली है और सबसे ज्यादा 6 अंक प्राप्त कर लिए और नेट रन रेट भी सबसे ज्यादा 1.24 की चल रही है। ऐसे में हर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स भी टॉप पर बनी हुई है और उम्मीद लगाई जा रही है अंत तक प्लेऑफ में रहेगी। अब क्या क्वालिफाई कर पाएगी फाइनल के लिए नहीं, यह तो देखने लायक होगा, मगर दिलचस्प बात यह है कि संजू सैमसन कप्तानी में इस टीम ने अब तक सबसे अच्छा तूफान मचाया है। उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले समय में वह फाइनल तक पहुंचेगी और इस साल शायद फाइनल भी जीतने की उम्मीदवार दिखाई दे रही है। यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है जिसमें राजस्थान टॉप पर है, कोलकाता सीएसके दूसरे और तीसरे पहुंच गई है, मुंबई सबसे आखिरी पायदान पर है। आपको क्या लगता है कौन सी वो चार टीमें हैं जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।